कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे वीक 8 की वर्कशीट क्लास सेकंड की। बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट है मैथ्स। बच्चों आज का हमारा सब टॉपिक है काउंटिंग इन ग्रुप्स ऑफ 10। बच्चों 10 के ग्रुप्स में काउंट करना, ठीक है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि बच्चों जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप सभी बच्चों रेड बटन दबा करके मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मैनी पर्ल्स आंसर आर देयर इन द नेकलेस। बच्चों इस माला में कितने मोती हैं, तो आप सभी को काउंट करके लिखने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो बच्चों कितने इसमें मोती हैं, तो इसके अंदर है बच्चों 36, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 पर्ल्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ़ देयर आर 10 पर्ल्स इन अ ग्रुप हाउ मैनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड। बच्चों अगर एक ग्रुप में 10 पर्ल्स हैं, ठीक है, तो 36 पर्ल्स से कितने ग्रुप बनेंगे हमारे, यहाँ पे बनेंगे 3, ठीक है। 10 का एक बना, 10 का एक बना, 10 का एक बना, ठीक है। अगर हमारे 4 और होते तो हमारा एक और ग्रुप बन जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे ओनली 3 ग्रुप्स ही बनेंगे। हाउ मैनी पर्ल्स विल रिमेन आफ्टर फॉर्मिंग दिस ग्रुप। अब बच्चों 3 ग्रुप्स बनाने के बाद हमारे कितने पर्ल्स बचेंगे, तो 36 टोटल है, 30 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6 पर्ल्स विल रिमेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कंप्लीट द टेबल बाय काउंटिंग इन ग्रुप्स ऑफ 10। बच्चों आप सभी को क्या करना है, अब यहाँ पे 10 के ग्रुप्स में आप सभी को काउंट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के आपको यहाँ नेम दिए गए हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 10 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट अदर देन ग्रुप्स। तो बच्चों देखिए आप सभी को नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 10 के आपको बताने हैं और रिमेनिंग कितने बचे हैं वो भी यहाँ आपको बताने हैं। तो देखिए बच्चों ग्रैप्स, फर्स्ट ग्रैप्स देख कितने हैं, 20। तो बच्चों 20 है हमारे, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे हमारे 2, और हमारे रिमेनिंग कितने होंगे 0। इसी तरह से देखिए बच्चों बनाना हमारे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, ठीक है बच्चों 15 बनाना है। तो 15 बनाना में से बच्चों ग्रुप ऑफ 10 कितने बनेंगे 1, और कितने रिमेनिंग बचेंगे हमारे 5, ठीक है। मार्बल्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए बच्चों फिर से काउंट करेंगे हम यहाँ पे 10 है, तो 10 का एक ग्रुप बनेगा और ये है हमारा 0, कुछ भी नहीं बचेंगे, ठीक है। इस तरह से स्पून देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्पून से बच्चों, तो ग्रुप बनेगा बच्चों हमारा 1, और स्पून कितनी बचेगी हमारी रिमेनिंग 1, ठीक है बच्चों। आया सभी को अच्छे से समझ में, आगे बढ़े। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक गार्लैंड्स हैविंग 10 फ्लावर्स एंड रिप्लाई द क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ क्या बोला गया है, आप सभी को एक गार्लैंड बनानी है, एक माला बनानी है, ठीक है, और यहाँ पे इन सभी के आपको आंसर करने हैं। हाउ मैनी टोटल फ्लावर्स आर देयर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि यहाँ पे टोटल कितने फ्लावर्स हैं, तो देखिए बच्चों कितने फ्लावर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. तो यहाँ पे टोटल फ्लावर्स बच्चों हमारे कितने होंगे, यहाँ पे हमारे टोटल फ्लावर्स होंगे 48. और हाउ मैनी गार्लैंड्स विल बी मेड इन टोटल, बच्चों टोटल हमारी कितनी गार्लैंड्स बनेंगी, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 10 की एक बनेगी, तो 48 से कितनी बनेगी बच्चों हमारी 4 गार्लैंड्स बनेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम 4. हाउ मैनी फ्लावर्स विल बी लेफ्ट, तो बच्चों टोटल 48 है, 40 की हमने गार्लैंड बना ली, तो हमारे कितनी बची, 8 हमारे फ्लावर्स रिमेनिंग बचे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, राइट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बाय काउंटिंग इन ग्रुप्स ऑफ 10s. अब बच्चों देखिए, आप सभी को क्या करना है, 10 के ग्रुप में आप सभी को इसको स्क्वायर्स को काउंट करके यहाँ लिखना है. तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 है बच्चों यहाँ पे हमारे, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 13. ठीक है, इसी तरह से देखिए बच्चों यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. यहाँ है हमारे 26. इसी तरह से नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो ये है बच्चों हमारे 22 स्क्वायर्स. ठीक है, आया सभी को बच्चों अच्छे से समझ में. नेक्स्ट देखिए बच्चों, लाइफ स्किल बैंकिंग सिस्टम. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर हैविंग एन अकाउंट इन अ बैंक, इन विच अकाउंट, नाउ आस्क इन विच देयर अकाउंट एग्जिस्ट. जैसे बच्चों आप सभी को बताना है कि आपके फैमिली में जो जो मेंबर्स हैं उनके कौन कौन से बैंक्स में अकाउंट है. ठीक है, आप सभी को यहाँ लिखना है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर का नाम जैसे मैंने लिखा राज, नेम ऑफ बैंक है कॉरपोरेशन बैंक. ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक. सेकंड है रेनू का, इनका है अकाउंट बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा में. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा. इसी तरह बच्चों नेक्स्ट हमारा है गोलू, इसका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इस तरह से बच्चों आप सभी को यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर से पूछ के लिख के कंप्लीट करना है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वी रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन बैंक, टिक द डॉक्यूमेंट रिक्वायर टू ओपन योर बैंक अकाउंट इन द टेबल गिवन. अब बच्चों देखिए, आप सभी अगर बैंक जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, ओपन करवाने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है. आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, देखिए बच्चों नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स आपको दी गई है. आधार कार्ड, आधार कार्ड की बिल्कुल नीड होती है. चाइल्ड वैक्सीनेशन कार्ड, इसकी ज़रूरत नहीं होती है. स्कूल आई कार्ड, बच्चों अगर स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चों किसी स्टूडेंट का ओपन करवा रहे हैं अकाउंट, तो उसके लिए स्कूल आईडी की ज़रूरत होती है. योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिल्कुल इसकी नीड होती है. योर रिपोर्ट कार्ड, इसकी ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, संस्कार शाला, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क इवन इफ समवन गिव्स रेस्पेक्ट और नॉट, बिकॉज द सन राइजेज even if millions of people are still sleeping. Food color green, eat green food, for example guava, cucumber, spinach, beans, okra, etc. Time with family, game snake and ladder, antarakshri, play with your family and friends. Activity jumping rope. Daily routine, include the following habit in your daily routine. Begin your day by greeting your parents, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. तो बच्चों देखिए, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है. उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा. बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. साथ ही साथ बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल ना करना भूलें कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा.
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, मैं फिर से आप सभी को कह रही हूँ, जल्दी से आप सभी जाइए और रेड बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।